Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Hey guys, so series, guys, थोड़ा सा लो लाइट आप देख सकते हो बट मैंने डे लाइट में बहुत सारे फोटो तो खींच लिया है बट देखो आज एमेजोन से आया है मेरे पास ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले आज ही आया है तो इसलिए थोड़ा सा लेट आपको मतलब अंधेरे में शूट करना पड़ा बट डोंट वरी फोटो मैंने डे लाइट में ही खींच लिया था बस शूट करना भूल गया था तो इसलिए आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा बाकी गाइस जो आईकू जेड नाइन है एकदम डिटो सेम फोन है ओके उन दोनों का कैमरा के बीच मतलब दोनों को अलग अलग टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है मैंने वीडियो के इससे पहले जो भी जितने भी वीडियो बना था वो बोला था ट्रस्ट में है सब कुछ सेम है फोटो वीडियो सेल्फी एकदम डिप्टो सेम एक्चुअली दोनों एक ही फोन है सेम फोन है आपको पता है आईको का ही वीवो का ही सब ब्रांड है आईकू एंड दोनों ही बस अलग नाम से निकाला है फोन को अलग डिजाइन के साथ मतलब बाहर से थोड़ा अलग डिजाइन किया है आपकी वीवो टी के अंदर जो फ्लिकर फ्री सेंसर है उसका क्या काम है वो भी मैं आपको आगे देखते रहो आगे आपको बताऊंगा ओके okay, तो चलेगा स्टार्ट करते हैं यार खुद के पैसों से फोन को बाय करके रिव्यू बनाता हूँ एंड आप लाइक नहीं करते हो सपोर्ट नहीं करते हो तो प्लीज यार चैनल पे नए हो चैनल को जरूर

जो कि काफी एकदम फ्लैक्सिप लेवल का सेंसर है उसके साथ मेगा पिक्सल का अल्रॉइड दो मेगा पिक्सल का लेंस एंड फोन में आपको सोलह मेगा पिक्सल का फोन कैमरा देखने को मिलता है बाकी विवो आइको में दोनों ही एकदम सेम सेटअप है विवो के अंदर आपको फिफ्टी आई पिक्सल का सोनी आई एक्स एट एट टू का सेंसर देखने को मिलता है ए भी फिफ्टी पिक्सल का सेंसर है उसके अलावा दो मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है उसके अलावा विवो के अंदर एक फ्लिकर सेंसर देखने को मिलता है जो कि उसका काम मैं आगे आपको दिखाऊंगा उसके अलावा फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है बाकी विवो एंड आइको जे टेन में पूरा डिट्टो सेम कैमरा है एक्सेप्ट फ्लिकर सेंटर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा ओके तो सबसे पहले है कलर एक्यूरेसी टेस्ट एंड कलर में रियलमी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बूस्टेड कलर देखने को मिल जाता है बाकी आइको के अंदर भी बूस्टेड कलर है बट आईको के अंदर एक अच्छी चीज है कि बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है बूस्टेड कलर में एंड नॉर्मल मोड पर फोटो क्लिक का ऑप्शन देखने को मिलता है बाकी अगर मैं कलर्स वगैरह की बात करूं तो जैसी देख दोनों ही थोड़ा सा देता है, कुछ ही देता है, पर स्लाइटली मुझे रियलमी का आप खुद देख सकते हो, रियलमी थोड़ा सा उसका पावर यहां पर दिखाई दे रहा है जो फ्लेक्सिव लेवल का सेंसर है तो इसलिए मामले में स्लाइटली आगे निकल जाता है जो रियलमी है वो ओके गई तो अब अल्ट्रावाइट कैमरा फोटो अल्ट्रावाइट कैमरा आपको सिर्फ और सिर्फ रियलमी के अंदर देखने को मिलता है आईकू के नहीं है आइको या फिर दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट तो ऑलरेडी मैंने और का एंड एंडो का कैमरा टेस्ट किया अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे देख सकते हो ट्रस्ट मी गाइस दोनों ही बिल्कुल कैमरा सेम है ओके बाकी अब देखो जो भी है दिया है यही बड़ी बात है एंड आपको अल्टरनेट कैमरा तो देखने को तो मिल जाता है नार्जो के अंदर जो कि डेफिनेटली एक एडवांटेज तो बन जाता है ओके बाकी उतना अच्छा तो क्वालिटी नहीं है बट फिर भी दिया है यही बड़ी बात है तो अब अगर इन दोनों का मेन सेंसर का फोटो है मेन सेंसर में डेफिनेटली आप कलर डिफरेंस वगैरह नोटिस कर सकते हो आइको के अंदर आपको थोड़ा सा वार्म टोन में देखने को मिलता है रियलमी का थोड़ा सा कोल्ड टोन देखने को मिलता है बट अगर मैं आपको जूम करके अगर आपको डिटेलिंग लेवल की बात करूँ तो फिर आप साफ देख सकते हो क्लियरली देख सकते हो डिटेलिंग लेवल के मामले में जो रियलमी है उसका जो फ्लैक्सी लेवल का जो सेंसर का पावर है वो दिखाई दे रहा है इनफैक्ट गाइज आपको अगर कलर्स वगैरह की मैं, मैं बात करता हूँ ना कलर्स वगैरह दोनों ही का अब देखो कलर है तो ये अपने अपने ऊपर आ जाता है बाकी आप नीचे कमेंट करके आपने ना किसका कलर्स आपको अच्छा लगा है इन दोनों का टू एक्स जूम फोटो टू एक्स में दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है एंड यह इन दोनों का फाइव एक्स जूम फोटो एंड फाइव एक्स में गाइज डेफिनेटली जो रियलमी है उसका डिटेलिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू आप देख सकते हो जो आइकू है वो एंड है इन दोनों का टेन एक्स जूम फोटो एंड यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेटली रियलमी का डिटेलिंग लेवल अच्छा है इनफैक्ट गाइज रियलमी के अंदर आप ट्वेंटी एक्स तक जूम कर सकते हो एंड मैक्सिमम आईकू के अंदर टेन एक्स तक ओके गाइज तो अब मैंने इसको डायनामिक रेंज टेस्ट करने के लिए किया है एंड गाइज इतने अलग अलग कंडीशन में मैं इतना अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको अलग अलग सीनरी में फोटो देकर आपको बता पाऊँ तो इतना मेहनत बहुत कम लोग करता है यार अलग अलग सीनरी में जाके मैं टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो एक लाइक यार कर देना आप सब्सक्राइब तो दूर की बात आ, मतलब लाइक ही नहीं करते हो तो लाइक करना यार खुद के पैसों से फोन को बाय करके मैं रिव्यू लाता हूँ ओके एंड यहाँ पर गई आप देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन है पीछे सूरज है एंड आगे मैंने इस मेन सब्जेक्ट को खड़ा करके फोटो क्लिक किया है यहाँ पर गाइस आइकू में आप देख सकते हो आइकू ने हाईलाइटेड पोर्शन को तो थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन किया है बट यहाँ पर फ्लेयर्स वगैरह देखने को मिल रहा है पर अगर मैं जूम करता हूँ जूम करके आपको डिटेलिंग लेवल वगैरह दिखाता हूँ मेन यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है ह्यूमन फेस उसके तुलना में यहाँ पर आप देख सकते हो जो नार्जो है उसका जो डिटेलिंग लेवल है वो काफ़ी ज्यादा है तो ओवरऑल हाईलाइटेड एंड शेडो को काफ़ी अच्छे से नार्जो ने मेंटेन किया है जबकि जो आइकू है थोड़ा सा आइक्यू या फिर वीवो सेम ही बोल सकते हो जो हाइलाइटेड पोर्सन है उसको तो स्लाइटली मतलब क्या बताओ फ्लेयर्स वगैरह दिखाई दे रहा है इनफैक्ट सैडो पोर्सन में भी उतना अच्छा डिटेलिंग लेवल नहीं है तो यहाँ पर क्लियरली जो फ्लैगसिप सेंसर का पावर है वो आपको दिखाई दे रहा है नार्जो के अंदर बाकी कैसे है मैक्रो फोटो एंड मैक्रो फोटो का ऑप्शन आपको सिर्फ रियलमी के अंदर आपको दो मैप्स का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है अब जब आइकू में तो नहीं है दिया है रियल यही बड़ी बात है तो मैक्रो लेंस के लिए रियल आपको मिल जाता है रियल के अंदर अब कैसे है सेल्फी अब देखो सेल्फी में सबसे पहले अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा स्काई ब्लोन आउट हो गया है जबकि आप देख सकते हो जो आईक्यू है काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट्रीप्रोशन को हैंडल किया है इनफैक्ट अगर मैं डिटेलिंग लेवल की बात करूँ तो फिर वो ए भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू तो रियल मी तो ओवरऑल अगर मैं सेल्फ़ी की बात करूँ तो सेल्फी में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है जो आईक्यू है वो तो अभी एक आई से इन दोनों का पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एंड दोनों ही काफ़ी अच्छा है बस जो मेनली जो कलर वगैरह में डिफरेंस है यह है वन एक्स पोट्रेट बाकी एच एक डी एक्शन वगैरह का भी दोनों ही का अच्छा है बाकी एक गाइस इन दोनों का टू एक्स पोर्ट्रेट एंड टू एक्स पोर्ट्रेट में गाइज आप एक चीज़ देखो थोड़ा सा ज़्यादा जूम्ड है जो वीवो है वो या फिर आइको है वो बाकी थोड़ा सा कम जूम है ओके बाकी गाइज़ दोनों ही का एच डी काफ़ी अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हो बट डिटेलिंग लेवल के मामले में डेफ़िनेटली मैं बोलूँगा जो आ, क्या बताऊँ जो नर्जो है थोड़ा सा आगे निकल जाता है आपको कौन सा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अच्छा लगा है? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना है आपको अब आप गाइस वैसे नाइट मोड फोटोग्राफी एंड नाइट मोड में गाइस जी रियलमी का जो पावर है सेंसर साइज का पावर वो आपको दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ पर अभी आप देख सकते हो रियलमी का डीटेंग लेवल काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू आईको आई को थोड़ा सा बूस्टेड वगैरह कर रहा है कलर्स वगैरह को मतलब ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है इंक्रीज़ कर दिया इस वजह नॉइज लेवल भी थोड़ा सा बढ़ गया है डिटेलिंग लेवल भी कम हो गया है आईको में बाकी रियल मी के अंदर डिटेलिंग लेवल भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है इनफैक्ट नॉइज लेवल भी कम है ओके okay गाइज़ तो अब जो वीडियो आप देख पा रहे हो ये दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरा के से टेन 30fps थर्टी एफ में रिकॉर्ड हो रहा है बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना किसका वीडियोग्राफी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो गाइज़ दोनों ही का काफ़ी अच्छा है फ्रंट कैमरा में स्टेबिलाइजेशन वगैरह मैं आपको भाग के थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ तो बाद में थोड़ा जब मैंने कंप्यूटर में चेक किया तब तो मुझे स्टेबिलाजेशन थोड़ा बहुत आईकू का ज़्यादा लगा अच्छा लगा कम्पेयर टू रियलमी जैसे कि आप देख सकते हैं आईक्यू इसलिए थोड़ा सा ज्यादा क्रॉप भी है आई तो नहीं है बट ई आपको देखने को मिल जाता है आप नीचे कमेंट करके बताया किसका आपको वीडियो अच्छा लगा बस अब इन दोनों का बैक कैमरा का वीडियो सेम्पल आप नीचे कमेंट करके बताओ कि किसका अच्छा लग रहा है आपको वीडियो क्वालिटी बाकी स्टेबिलाइजेशन वगैरह मुझे स्लाइटली आईकू का अच्छा है हालांकि दोनों ही के अंदर आपको ओआईएस तो देखने को मिल जाता है बट क्वालिटी आप देख सकते हो आपके सामने बाकी थोड़ा सा ज्यादा आपको क्रॉप देखने को मिल जाता है वो आई एंड ए आई एस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है ओके okay, जैसे कि आप देख सकते हो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि किसका आपको अच्छा लग रहा है बस आइको में जो चीज देखने को नहीं मिलता है वो है फ्लिकर फ्री सेंसर वो आपको वीवो में देखने को मिलता है एंड यही बस वीवो का एक प्लस पॉइंट है क्योंकि आप देख सकते हो इस तरीके से आप स्क्रीन वगैरह रिकॉर्डिंग कर दो तब फ्लिकर नहीं करता है स्क्रीन जैसे कि आपको पता है इस टाइप के रिकॉर्डिंग में फ्लिकर होता है स्क्रीन